भाई दूज। हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इसी रिश्ते की डोर को और मजबूत बनाने के लिए हर साल भाई बहन का पर्व भाई दूज बड़े उल्लास से मनाया जाता है। सूर्य भगवान के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना को समर्पित भाई दूज पर्व को लेकर एक लोक कथा भी प्रचलित है। एक बुजुर्ग महिला के साथ बेटे और एक बेटी थी। उसके 6 बेटे शादी के वक्त सांप द्वारा डसे जाने के कारण मर चुके थे और बहुएं विधवा हो गई थी। बेटों की मौत के दुख से माँ रो रो कर अंधी हो गई थी। एक बार भाई दूज के पर्व पर बुजुर्ग महिला का 7वां यानी सबसे छोटा और एकमात्र जीवित बेटा अपनी बहन के घर जाने के लिए मचल गया। वह अपनी बुजुर्ग माँ से बोला कि बहन के घर तिलक कराने जाएगा। माँ ने उसे भेज दिया। रास्ते में सांप मिला। सांप ने डसने के लिए जैसे ही फन फैलाया, उसने विनती की कि वह उसे न डसे। लड़के की विनती पर सांप ने कहा कि वह उसका काल बनकर आया है और डसकर ही दम लेगा। इस पर लड़के ने कहा कि वह बहन के घर जा रहा है, जब वापस आएगा तब डस लें। लड़के के वादे पर सांप को यकीन हुआ। लड़के ने सांप से कहा कि यकीन नहीं हो तो वह उसके झोले में घुस के बैठ जाए। सांप झोले में घुस गया। उधर भाई के आने की खबर पाकर बहन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पड़ोस वाली महिला से सलाह मांगी कि भाई को क्या भोजन बनाकर खिलाए। पड़ोस वाली महिला भाई के स्वागत में खुश बहन की खुशी से चिढ़ गई। उसने कहा कि दूध से रसोई लिप दो और घी में चावल पका दो। भोली बहन ने ऐसा ही किया। भाई घर पहुंचा तो बहन ने स्वागत किया। भाई ने कहा कि बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। पड़ोसन की बात में आकर बहन गलती कर बैठी थी, क्योंकि दूध के लेप के कारण रसोई सूख नहीं रही थी और घी में चावल पक नहीं रहे थे। बहन ने अपनी पड़ोसन की बात भाई को बता दी। इस पर भाई ने बहन को खाना बनाने में मदद की। खाना खाकर भाई सो गया तो उसके भांजे यानी बहन के बच्चे आ गए और पूछने लगे कि मामा क्या लाए हो। भाई ने कहा कि वह कुछ नहीं लाया है, लेकिन बच्चों ने सांप वाला झोला ले लिया। बच्चों ने खोला झोला तो उसमें से हीरो का हार निकला। हीरो का हार पाकर बहन बहुत खुश हुई। अगले दिन भाई घर वापस लौटने को हुआ तो बहन ने उसे रास्ते में खाने के लिए कुछ लड्डू एक डिब्बे में रख दिए। रास्ते में थकान के कारण भाई एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर उसकी बहन के बच्चे बचे हुए लड्डू खाने की जिद पकड़ गए। बहन ने कहा कि लड्डू बनाने के लिए चक्की में बाजरा पीसा था, उसमें कुछ आटा बाकी है, वह खा लो। बच्चों ने जाकर देखी तो चक्की में सांप की हड्डियां मिली। यह बात जानकर बहन अपने भाई को बचाने के लिए उसकी खोज में भागी, ताकि वह लड्डू खा न ले। बहन को भाई मिल गया। बहन ने उससे पूछा, लड्डू खाया तो नहीं? भाई ने कहा नहीं। इस पर बहन को यकीन नहीं हुआ और वह उसके साथ चल दी। बहन को प्यास लगी तो भाई ने कहा कि जिस दिशा में आसमान में चील उड़ रही हो सकता है वहां पानी मिल जाए। बहन को वहां पानी मिल गया। पानी पीकर जब वह लौट रही थी तो रास्ते में उसे 6 दफन की गई शिलाएं मिली और एक शिला ऐसे ही बाहर रखी थी। पूछने पर एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि एक महिला के 6 बेटे शादी के वक्त सांप द्वारा उससे डसे जाने से मर चुके हैं। 6 शिलाएं उन्हीं की हैं
और सातवें की मौत के बाद बाहर रखी वह शिला भी जमीन में दफन कर दी जाएगी। सातवें बेटे की मौत भी मंडप में होगी। बुजुर्ग महिला से यह जवाब पाकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बात उसी के उन भाइयों की हो रही है। उसने बुजुर्ग महिला से अपने भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुजुर्ग महिला के कहे अनुसार बहन ने उपाय किया। उसने अपने बाल खोले और पागलों की तरह अपने भाई को अपशब्द बोलने लगी। बहन का यह व्यवहार भाई को समझ नहीं आया। सब हैरान थे। भाई की शादी का दिन आया। वह सहरा पहनने लगा तो बहन ने कहा, सहरा तो मैं पहनूंगी, तू तो जलेगा और मरेगा। बहन का व्यवहार देखकर लोग हैरान थे। उन्होंने उसे सहारा दे दिया। सहरे में कलगी वाली जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल फेंक दिया। इसी तरह हर रस्म पर बहन अपने भाई को अपशब्द कहती बारात चल निकली। दुल्हा भाई जिस दरवाजे से निकलने को था, बहन उसको खरी खोटी सुनाकर खुद पहले निकलने पर अड़ गई। जैसे ही वह दरवाजे से निकलने को हुई तो वह गिरने लगा। इस पर बहन ने एक ईंट अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा गिरते गिरते रुक गया। यह घटना देख सभी बाराती अचंभे से एहसास से भर गए। एक जगह बारात विश्राम कर रही थी। दूल्हे को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। वहां भी बहन ने भाई से बदसलूकी की और उसे वहां से हटाकर खुद पीपल के नीचे खड़ी हो गई। पेड़ गिरने को हुआ तो उसने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ गिरते गिरते थम गया। लोगों में चर्चा होने लगी कि बहन जादू टोना जानती है, जिससे वह अपने भाई की जान बचा लेती है। शादी के फेरों के लिए दुल्हन आई तो बहन ने उसके कान में भाई के साथ होने वाली संभावित अनहोनी के बारे में बता दिया। फेरों के वक्त सांप दुल्हे को डसने आया। दुल्हन ने सांप को एक लोटे में भर दिया और ऊपर से तस्तरी से ढक दिया। सांप के पीछे नागिन आई। उसने दुल्हन से सांप को आजाद करने के लिए कहा। दुल्हन ने शर्त रख दी कि अगर वह उसके पति को छोड़ देगी तो सांप को आजाद कर दिया जाएगा। दुल्हन ने नागिन से कहा कि वह 3 बार बोलकर वचन दे। नागिन ने ऐसा ही किया। नागिन ने कहा कि अब उसके पति को आजाद किया जाए। इस पर दुल्हन ने कहा कि सांप से डसने से मारे गए उसके 6 जेठों को भी जिंदा किया जाए, तभी नागिन के पति को छोड़ेंगी। नागिन ने उसके जेठों को भी जिंदा कर दिया। उधर बुजुर्ग माँ रो रही थी। लोगों ने उसे सूचना दी कि उसका बेटा बच गया और बाकी मारे गए बेटे भी जीवित होकर अपनी पत्नियों के साथ उसके पास पहुंच रहे हैं। इस पर बुजुर्ग महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहा कि अगर यह बात सही है तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और सीने से दूध की धार बहे। ऐसा ही हुआ। पूरे परिवार को एक साथ देखकर बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई। छोटे भाई की सलामती और बड़े भाइयों की वापसी के लिए एक बुजुर्ग महिला द्वारा बताए उपायों को आजमा रही बहन एक भूसे की कोठरी में सो रही थी। सब ठीक हो जाने पर जब वह अपने घर को चली तो उसके साथ घर की सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। उसकी माँ ने कहा कि अगर वह सब ले जाएगी तो बेटे और बहुएं क्या खाएंगे। तब बेटी ने कहा कि जो उसे माँ ने दिया वही उसके साथ चले, बाकी यहीं रह जाए। ऐसा ही हुआ। इस तरह एक बहन ने न सिर्फ अपने भाई के प्राणों की रक्षा की बल्कि खोए हुए भाइयों को वापस प्राप्त किया। माना जाता है कि हर भाई दूज पर हर बहन को यह कथा सुननी चाहिए।